Yeah. जी आप सब खैरियत से हैं मज़े में हैं और कुछ हैं तो जी सुबह का वक्त है और ऑलमोस्ट वीकेंड आने वाला है वीकेंड की वाइब्स पहले ही घर में आ चुकी हुई हैं तो मैं बनाने लगी हूँ आज जी रोल पराठा चिकन रोल पराठा और उसके साथ मैं बनाऊंगी चाय और आपको पता है चिकन रोल पराठा जो मैं बनाने लगी हूँ उसकी चिकन मैंने पहले से ही मैरिनेट करके रखी हुई थी मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई है आप लोग भी इस तरह अगर आप चाहते हैं कि क्विक और इजी रेसिपीज को फॉलो करें तो उसके लिए हमेशा चिकन मैरिनेट करके रखा करें या फिर उसको स्टिर फ्राई करके रख दें तो जी अभी मैं रोल पराठा बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी किस तरह की लगी है स्टे कनेक्टेड स्टे पॉजिटिव सोल स्टार्ट करते हैं तो जी सबसे पहले तो यहाँ पे आप हमारी बिल्ली को देखें वो बड़ी सैड लग रही है क्योंकि उसको ज़रूर जाना होगा बाहर और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये रखा है मैरिनेटेड चिकन जो कि है थोड़ा सा तो ये मैंने मैरिनेट करके पहले से रखा हुआ था इसको स्टिर फ्राई करूँगी और ये हैं साथ फ्रोजन पराठा और जी ये रेडी हो रही है मेरी गुड़ वाली चाय सबसे पहले मैंने गुड़ डाल दिया है ताकि वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए उसके बाद ही फिर मैं उसके अंदर टी बैग्स वगैरह और दूध डालती हूँ तो जी टी बैग्स वाली चाय बन रही है हमारी आज और साथ साथ मेरा चिकन स्टिर फ्राई हो रहा है स्टिर फ्राई चिकन करके रखने से अगर आप रख देते हैं फ्रिज में आपको बहुत बहुत फ़ायदा रहता है और अगर आप फ्रेश कर लेते हैं तो भी सही है और जी साथ ही मैंने चिकन स्टिर फ्राई करके उसके अंदर डाले हैं अनियन क्योंकि जब रोल पराठा होता है उसके अंदर अनियन अच्छे लगते हैं तो वो मैंने कहा कच्चे बच्चे जो है वो कच्चे अनियन जो है वो बच्चों को शायद उनका टेस्ट अच्छा ना लगे तो इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा कुक कर लिया है ओवर कुक आपने नहीं करना है और यहाँ पर जी मैं पराठा बना रही हूँ और इसके अंदर मैं फिलिंग कर दूँगी उस मैरिनेटेड चिकन की और साथ अनियन ये देखिए मैंने रख दिया और इसके ऊपर मैंने डाल दी है केचप और मैंने इसको फोल्ड कर दिया आज मैंने इसके रोल पेपर में उसको रैप नहीं किया डायरेक्ट ऐसे ही बच्चों को दे दिया और साथ ही मैंने दूसरा पराठा बना दिया है और इसके अंदर मैं फिलिंग करके ऊपर डालूंगी चटनी जो कि है हरी मिर्च और दही की वो हरी मिर्च और दही की चटनी जो है वो बहुत अच्छी लगती है इस तरह के रोल के साथ ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है क्योंकि स्पाइसी है थोड़ा और यहाँ पे ये मेरा छोटा शेफ़ ये स्टार्ट हो गया है अपनी सॉस बनानी हमेशा ऐसे करता है अपने दो तीन सॉसेज़ मिक्स करके अपनी एक ही सॉस बना लेता है तो ये इसका रोल पराठा जी ये रेडी है ये आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या आप स्कूल में भी दे सकते हैं बच्चों को अपने हस्बैंड को ऑफिस में भी दे सकते हैं और घर पर अगर कोई आ रहा है तो आप चाय वगैरह के साथ भी ये सर्व कर सकते हैं बहुत ही ईजी डिश है और यहाँ पे ये मेरा रेडी हो रहा है ब्रेकफास्ट जिसमें जी पहले से कल से बचा हुआ अंडा पड़ा हुआ था थोड़ा जो कि मैंने कबाब बनाया और उसके अंदर ही थोड़ा मैंने एक और एग डाल दिया और साथ मैंने दो ब्राउन ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए तो यही मेरा ब्रेकफास्ट है और इसके साथ ही मेरा एक कप चाय है जो कि गुड़ वाली चाय है और मैं यही खाऊँगी और यही खा के मेरा तकरीबन शाम तक मेरा जो है अलहमदिल्ला स्टमक भर रहेगा तो मेरे लिए इतना ही नाश्ता काफ़ी होता है तो जी यहाँ पे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और मैंने अपना नाश्ता स्टार्ट कर दिया है और नाश्ता करने के बाद अपने जी घर के काम वगैरह मैंने स्टार्ट कर दिए हैं वॉशिंग की है मशीन ने वॉशिंग की है और मैंने कपड़े फैला दिए हैं तो मेरा होता है कि मैं डेली साथ, -साथ कपड़ों मशीन में डालती हूँ क्योंकि ऐसे पता है एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर सारी चीज़ें मैनेज करना तो इस तरह ये है वॉशिंग साथ साथ चलती रहती है तो आ, पाकिस्तान में या उधर तो बड़ी लंबी लंबी तारें हुआ करती थी और कपड़े अच्छी तरह खुले हवाओं में सूखते थे लेकिन अब तो मेरे मेरे ख्याल से पाकिस्तान पाकिस्तान में भी यही स्टैंड वगैरह चलते हैं काफ़ी सारे घरों में क्योंकि वहाँ पर भी अब काफ़ी अपार्टमेंट वाली लाइफ है और आ, घर जिनके हैं तो वो लोग शायद बाहर फैलाते हों वो भी मेरे ख्याल से स्टैंड पर ही रखते हैं और साथ ही जो कपड़े ड्राई थे मैंने तह करके साइड पर रख दिए तो ये सामने बहन भाई आपस में खेल रहे हैं अब्दुल्ला अंदर है इस चादर के अंदर इन्होंने पीछे फ़ैन चलाया हुआ है और अंदर हवा भर दी है तो वो अंदर खेल रहे हैं जी बच्चे मेरे काफ़ी बीमार हो रहे हैं अनीज़ा को इस टाइम 102 पे फीवर है और अब्दुल्ला नाबिया को 101 पे कल फीवर था तो सारे बच्चों के यहाँ पर मेरे ख्याल से वायरल वायरल है और बच्चों को गले के इन्फेक्शन और फीवर ये चल रहा है तो अब्दुल्ला पढ़ रहा है अपने बाबा के साथ इस टाइम वो उसे साइंस का कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं प्लांट्स के बारे में तो बच्चे बीमार हो रहे हैं मैं यही बता रही थी मैं यकीन करें मैं थक चुकी हूँ अल्लाह ताला इनको सेहत और ज़िंदगी के साथ रखे मुसलसल मतलब एक बच्चा एक दिन ठीक होता है दो तीन दिन ठीक रहता है फिर दो तीन दिन बाद वो फिर बीमार हो जाता है फिर दूसरा ठीक होता है फिर तीसरा बीमार हो जाता है तो यहाँ पर अनीज़ा लेटी हुई है तो इस टाइम अभी इसकी तबीयत थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हुई थी तो इसने मुझे कहा नाश्ता भी इसने नहीं किया और मुझे कह रही थी कि मुझे खाना नाश्ता करना नहीं है और आई एम नॉट फीलिंग वेल तो थोड़ी देर बाद मैंने जैसे ही चेक किया तो इसको दो पे फीवर था और फिर अभी हम इसको गीली पट्टियाँ वटियाँ कर रहे हैं और इसको मेडिसिन भी दिए और अनाव्य को भी मेडिसिन दे रही हूँ बल्कि ये तो अभी मामूल की रूटीन ही बन गई है और अभी वेदर भी चेंज होने लगा है शायद ये मेरे ख्याल से हर तरफ यही चल रहा है तो अभी मैं क्या करूँगी मैंने ये सोचा आज मैं जाऊँगी मटन लेके के आऊँगी फ्रेश और मैं उसकी यखनी को बना के दूंगी क्योंकि उससे क्या होता है लास्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था मैं एंटीबायोटिक खा रही थी सारा कुछ मुझे कुछ असर नहीं कर रहा था इस तरह इन्फेक्शन था आप यकीन करें मैंने ना मैं गई और मैंने मटन लिया फ़्रेश और उसके बाद उसका आ, मैंने यखनी बनानी शुरू की और जैसे ही मैंने यखनी पीना स्टार्ट की तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई इनफैक्ट जब हम यखनी पीते हैं उसके अंदर सारे गरम मसाले होते हैं तो वो जाके अंदर हमारी क्योंकि ये देसी आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है जो टोटके होते हैं वो शायद फ़ौरन असर नहीं करते और इस दफ़ा भी मेरे साथ यही हुआ है जब मैं और मेरे हस्बैंड बीमार हुए पहले हम लोग बीमार हुए हुए थे तो मैं स्टार्ट में ना सुबह उठ के डेली एक चम्मच शहद का आप लोगों ने देखा होगा मैं आपको ब्लाग्स में भी दिखाती थी और साथ ही मैं एक जो है वो डाल के सुबह एक चम्मच ले लेती थी और उसके साथ थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा पानी लेती थी वैसे अभी पानी नहीं पीना चाहिए तो फिर उसके बाद इसी तरह मतलब गर्म चीज़ें आप खाएँ पिए ऐसी हालत में तो आप ज़रा जल्दी बेहतर होते हैं लेकिन आपको पता है बच्चों को ये चीज़ें खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो इस वजह से और दूसरा ये बच्चे बाहर जाके खेलते हैं तो वायरल होता है इनको एक दूसरे से लगता है तो मसला सारा यही है फिर ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं वहाँ से भी इनको लग जाता है तो क्या कर सकते हैं जी बस यही है कि टोट के दुआएँ और दवाइयाँ यही अल्लाह ताला इनको सेहत याब रखे और हर एक को जो भी बीमार हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं फ्रेंट हॉस् बना रही हूँ अनीजा के लिए क्योंकि और वो कुछ नहीं खा रही तो इसमें मैंने बिल्कुल हल्की सी शुगर डाली है और इसके अंदर मैंने वनीला पाउडर डाला है थोड़ा सा और मैंने योक ज़्यादा डाली इस वजह से ज़्यादा येलो लग रहा है मिल्क भी थोड़ा डाला है मैंने थ्री एग्स ली हैं और दो योक्स और डाली हैं मैंने ताकि इसके अंदर थोड़ा सा उसके आपको पता है योक ज़्यादा हेल्दी होती है और मैंने बिल्कुल हल्का सा बटर लगाया ऑयल मैंने नहीं डाला ऑयल देने की भी जरूरत नहीं है तो बटर थोड़ा सा मैंने नीचे लगा के चारों टोस्ट रखे हैं और उनके ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा बटर रख दिया और इनको बिल्कुल लो स्टीम पे रख दिया इससे क्या होगा ये अच्छी तरह पक भी जाएंगे और बच्चे के अंदर ऑयल भी नहीं जाएगा और बटर है वो बस थोड़ा सा और ऊपर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ क्योंकि आपको पता है बच्चों को थोड़ा चॉकलेट वाली चीज़ें और इस तरह अच्छी लगती हैं और इसके ऊपर ही थोड़ा सा मैं अभी कंडेंस्ड मिल्क डाल दूँगी और साथ ही मैं थोड़ा सा पाउडर शुगर कर दूँगी क्योंकि आपको पता है बच्चों को या वैसे ही खाने से पहले अगर आपकी खाने की सर्विंग अच्छी हो तो अगले खाने वाले का दिल भी करता है ये पाउडर शुगर है अगर आपने अपने कोई गेस्ट वगैरह आते घर पर मीठा बनाना है तो आप भी इस तरह बना सकते हैं बहुत ईजी रेसिपी है तो बल्कि आजकल काफ़ी लोग बनाते भी हैं और इसके साथ साथ जी आ, मैंने इसको बाद में ना पिज़्ज़ा कटर से काट लिया क्योंकि बच्चों के लिए इस तरह खाना आसान नहीं होता तो वो मैंने पिज़्ज़ा कटर से काट के ये देखें सारे छोटे छोटे पीसेज हो गए स्क्वायर तो अगर आप चाहें तो इनको स्कैवर्स में भी लगा के बच्चों को दे सकते हैं और गेस्ट अगर आ रहे हैं कोई बच्चे हैं या इस तरह स्कैवर्स में लगा के आप एज अ मीठा इसको सर्व कर सकते हैं साथ थोड़ी सी आइसक्रीम वगैरह के साथ तो जी यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो कान मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ के तमाम गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस तो जी यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ सी सी की टैबलेट और साथ में लूँगी अपनी आयरन की टैबलेट तो जी एंड करती हूँ आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग